हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी कि लगातार तो बारिश हो ही रही है रुक रुक के, और इस बेमौसम बरसात की वजह से हमारे प्लांट्स, काफ़ी ऐसे प्लांट्स हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ख़राब भी हो रहे हैं। तो बारिश तो हम रोक नहीं सकते, प्लांट्स का ख़राब होना भी हम जहाँ तक हो सके बचाते हैं, और नहीं बचा पाए तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में इस मौसम का हम कुछ फ़ायदा उठाते हुए कुछ प्लांट्स के हम कटिंग्स ज़रूर ग्रो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे बास्केट्स रेडी कर सकते हैं। तो मैं उसी की जानकारी आपको दे रही हूँ फ्रेंड, कि मौसम बारिश वाला हो गया है तो कटिंग कुछ प्लांट्स की बहुत आसानी से लग जाएगी। उनमें से देखिए, बारिश हो ही रही, मैं बारिश में ही वीडियो बना रही हूँ। ये कोलियस की है, आप इस कोलियस की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। एक ये बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है कटिंग से फ्रेंड। इधर ये रेहू का, बोट लिली का प्लांट है, आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, ये देखिए। और मतलब नए नए पॉट्स आप रेडी कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं बहुत इजीली। एक ये वांडरिंग ज्यू है, ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसकी भी आप बहुत आसानी से इतनी इतनी कटिंग लेके आप नए नए बास्केट रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली लगेगा। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे डिब्बों में वेस्ट मटेरियल में पहले से ही लगा रखा है। देखिए, ये स्नेक प्लांट है, और ये अगेव है, मैंने पहले से ही लगा रखा है। इन प्लांट्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए। ये देखिए अरेलिया है, इसके भी हम छोटे छोटे कटिंग अभी ग्रो कर सकते हैं चाहें तो। इधर मनी प्लांट है, बिल्कुल छोटे से छोटे डिब्बों में ये लग जाती है फ्रेंड। देखिए इसकी पत्तियाँ, देखिए ये देखिए, ये छोटा सा वेस्ट मटेरियल का मैंने हैंगिंग बनाया था, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इधर ये स्वीट पोटैटो वाइन, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मनी प्लांट, कितने छोटे छोटे बॉटल्स में बहुत अच्छे से चलते हैं फ्रेंड। इधर भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसकी साइज देखिए, और इसमें इसकी ग्रोथ देखिए। ये स्वीट पोटैटो वाइन है, ये भी छोटे से छोटे बॉटल में लग सकता है, और अच्छा से अच्छा है इसका आप सेलो पॉट में इस बास्केट रेडी कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये देखिए मनी प्लांट, ये इनकी ग्रीनरी देखिए। ये तो स्वीट पोटैटो वाइन है, इसके नीचे देखिए मनी प्लांट, इसकी पत्तियाँ देखिए, ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है फ्रेंड। ये देखिए छोटे 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 ये सब, ये ट्रायंगल हार्ट है, यहाँ भी ये देखिए गिर भी गया। ये देखिए, ये आप चाहे जितने सारे भी इसके बास्केट तैयार कर सकते हैं बहुत ईजिली। ये देखिए, इसमें रूट ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, देखिए रूट दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल मिट्टी में दबा देना है। बारिश में मैं भीग भी रही हूँ। एक मैंने उस दिन कटिंग आपको शेयर किया था, ये देखिए बेबी सनरोज के, ये देखिए ये मेरा पॉट रेडी हो गया है। देखिए इसमें फ्लॉरिंग भी हो रही है। तो जहाँ हमारे कुछ प्लांट्स नुकसान हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, वहाँ हम नए नए प्लांट्स चाहें तो हम रेडी भी कर सकते हैं फ्रेंड, इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए। तो ये देखिए, आप जेट प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी मैं छोटी छोटी कटिंग लेके एक नया बास्केट अभी चाहूँ तो रेडी कर सकती हूँ, सब लग जाएगा, बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो ये हमको करना चाहिए।
अगर एक साइड हमारे प्लांट नुकसान में जा रहे हैं तो हम नए नए प्लांट्स भी रेडी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, फिलहाल मैं बारिश में इधर उधर जा नहीं पा रही हूँ। मेरे प्लांट्स कितने गंदे पड़े हैं देखिए, ये ड्रेसिना, तो बस फ्रेंड यही थी आज की मेरी छोटी सी शेयरिंग। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके फ्रेंड बाय।